दोस्तों ये जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई मामूली औरत नहीं है, बल्कि ये है महान नीरा आर्या, जिन्होंने हमारे भारत देश को आजाद करने के लिए अपने पति तक को भी चाकू मार दी थी। महान नीरा आर्या ने जो हमारे देश के लिए यातनाएं सही है उसे कल्पना करने से ही हमारा दिल दहल उठता है। अंग्रेजों ने तो इनको इतना तड़पाया था कि इनके दोनों ब्रेस्टों को काट कर अलग कर दिया था। एक बार की बात है कि अंग्रेजों ने इनके पति को सुपारी दी थी और कहा था कि तुम सुभाष चंद्र बोस को मार दो। जब ये बात नीरा आर्या को पता चला तो उन्होंने अपने पति को ही चाकू मार दी, जिसके लिए इन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई और वहाँ पर रोज यातनाएं झेलनी पड़ती थी। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि एक जेलर ने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझे बता दोगे कि नेताजी कहाँ रहते हैं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तभी इन्होंने कहा कि नेताजी सिर्फ और सिर्फ मेरे देह में जिंदा हैं। अगर दम है तो उन्हें ढूंढ लो। इस बात पर वो जेलर गुस्से से एक बड़ा सा कैंची लाया और नीरा आर्या के गले को पकड़कर उनके दोनों ब्रेस्टों को काट दिया। वो दर्द से चिल्लाती रही लेकिन ये लोग बेरहमी से उनके ब्रेस्टों को काटते चले गए, जिसमें वे मरने की हालत में आ चुकी थी। लेकिन तब भी महान नीरा आर्या ने अंग्रेजों को कुछ भी नहीं बताया और लोग तो बोलते हैं कि ये गांधी ने ही हमें आजादी दिलाई।